इन दिनों यातायात विभाग द्वारा यातायात माह चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों की जानकारी के लिए तमाम जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि यातायात माह के अंतर्गत स्कूलों में सड़कों पर लोगों को सुरक्षित यात्रा के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा ऑटो चालकों को भी परिचय पत्र दिया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया। ये 1 नवंबर 2018 से यातायात पुलिस उत्तर प्रदेश द्वारा हर वर्ष यातायात माह का आयोजन किया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी गोरखपुर में यातायात पुलिस गोरखपुर की तरफ से यातायात माह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग विभिन्न गतिविधियों का संचालन करेंगे। इसमें लोगों को यातायात जागरूकता के विषय में, ऑटो चालकों को नियंत्रित करने के विषय में, जनता में सुरक्षात्मक उपकरणों को पहनने के विषय में, स्कूल के बच्चों को यातायात के विषय में बेसिक जानकारी देने के विषय में, और ट्रक चालकों को सड़कों पर कैसे ट्रक चलाना है उसके विषय में पूरी हम लोग जानकारी देंगे। और उसी के साथ ही हम लोग एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें पहली बार हम लोग ऑटो चालकों को गोरखपुर में एक आईडी कार्ड दे रहे हैं, जिस आईडी कार्ड में उनका एक कोड नंबर लिखा होगा, आईडी होगी, और वो आईडी हम गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस नाम से एक वेबसाइट निर्मित कर रहे हैं, उसमें समस्त ऑटो चालकों का डाटाबेस उस आईडी में संकलित होगा। किसी भी व्यक्ति को अगर उस आईडी से किसी गोरखपुर के ऑटो चालक को अगर सर्च करना चाहेगा तो उस आईडी को क्लिक करेगा, GKPT00 उसको प्रेस करेगा, उसको उस ऑटो चालक का पूरा एड्रेस मिल जाएगा। उसमें अगर उसका कोई सामान खोया हुआ है वो सीधे उस ऑटो चालक से फ़ोन नंबर से संपर्क कर सकेगा, उसमें उसका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ होगा। तो इस और इसके साथ ही हम लोग उस ऑटो चालक का ब्लड ग्रुप टेस्टिंग भी करा रहे हैं, उस आईडी में उसका ब्लड ग्रुप भी मैच हुआ होगा। तीसरा हम लोग इसी में करा रहे हैं, एक और कार्य कर रहे हैं कि बहुत से ऑटो चालक बिना लाइसेंस के ऑटो का चालन कर रहे हैं, तो उससे उनकी आजीविका प्रभावित ना हो इसके लिए हम लोग उनको बिना किसी परेशानी के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में मदद कर रहे हैं। सभी को अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद में 10-10 के बैच में हम लोग इनको RTO कार्यालय में भेजेंगे, जहां पे इनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाएगा। इस संबंध में RTO श्री DT मिश्रा से भी हमारी वार्ता हो चुकी है और उन्होंने ही पूरा सहयोग किए जाने का वचन दिया है। तो क्या इन लोगों का ये भी एक प्रोविज़न है जो हम लोग जानकारी हुई है, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से बात की है, उन्होंने बताया कि साहब 15 रुपये में 25,000 रुपये का दुर्घटना बीमा हम लोग करते हैं। तो समस्त ऑटो चालकों से बात हुई है और वो लोग इस बात पे तैयार हैं कि 60 रुपये में 1,00,000 का बीमा होगा, जिसमें किसी भी ऑटो चालक को चोट लगती है तो वो बीमा जो है उसको ऑटो चालक के लिए उपलब्ध रहेगा। कंट्रोल में कर रहे हैं, अभी हम लोग ऑटो चालकों को एक डिसिप्लिन में डाल रहे हैं, उसके बाद हम लोग उनको आईडी कार्ड इशू कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग जो सवारियों से संबंधित चीज़ें हैं उनको हम लोग कम करेंगे। लाउडस्पीकर बजते थे वो हटाया गया था, लेकिन इस समय भी इस दौरान दोबारा भी इस तरह के अश्लील गानों के साथ बजाया जा रहा है। इस विषय में भी हम लोगों ने ऑटो चालकों से बात की है, अभी कल हम लोगों ने ऑटो चालकों से मीटिंग की है, कम से कम 500 ऑटो चालक थे और उनके साथ मीटिंग हुई हम लोगों, उन्होंने कहा साहब आप लोग जैसा कहेंगे हम उसी प्रकार से हम सहयोग करेंगे, जनता को साफ सुथरी यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। यातायात माह जो चला रहा है कब तक चलेगा ये? यातायात माह 01 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा ये, इसमें सभी चीज़ें रहेंगी, सभी एक्टिविटीज़ रहेंगी हमारी और यातायात को प्रोत्साहन करने के लिए सब कार्य करेंगे।